नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो जाति धर्म व्यक्ति विशेष की राजनीति को दरकिनार करते हुए समाज कल्याण और जन सरोकार के मुद्दों को उठाने का काम करता है। आज इसी कड़ी में आईपा की टीम इलाहाबाद में शालिनी गुप्ता जी के साथ मौजूद है, जो कि वर्तमान में भी प्रिंसिपल है महर्षि भारद्वाज विद्या मंदिर स्कूल की, साथ ही साथ भारत विकास परिषद कृष्णा सेक्रेटरी की, कृष्णा शाखा की सेक्रेटरी भी है। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका आईपा के मंच पे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैम, अभी वर्तमान में जो देश में राजनीति का प्रचलन है या तरीका है, उसमें महिलाओं की भागीदारी कैसी होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। देखिए, एक घर होता है, घर को कौन संवारता है? एक महिला ही संवारती है। और जिस घर में महिला शिक्षित होती है, पढ़ी लिखी होती है, समझदार होती है, उसको पूरा अधिकार मिला होता है बराबर का, वो घर कितना संपन्न होता है, बच्चे कितने पढ़े लिखे बनते हैं। तो ऑब्वियस है, हर क्षेत्र में, केवल पॉलिटिक्स में ही नहीं, हर क्षेत्र में महिलाओं का बराबर का अधिकार होना चाहिए, तभी हमारा देश भी और देशों की तरह आगे प्रगतिशील होगा। मैम, महिलाओं को क्या अभी भी समाज में इक्वली ट्रीट किया जाता है, जैसा कि हम दावा करते हैं कि हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं, हम अपने देश को मॉडर्न बना रहे हैं, डिजिटल बना रहे हैं, इन क्या महिलाएं भी अभी भी इक्वल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। शहरों में तो भी थोड़ा सा है, पर गाँव की स्थिति तो बहुत ही खराब है। वहां पे आज भी महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, उनको बराबर तो छोड़िए, उनको बहुत ही नीचे स्तर पे देखा जाता है। उनको किसी भी चीज के बोलने की आजादी नहीं है, साथ बैठने की आजादी नहीं है, वो केवल घर तक ही सीमित है। उनको एक पैदा होते ही लड़की के दिमाग में डाल दिया जाता है कि तुम्हें सिर्फ घर संभालना है, यही तुम्हारा दायरा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल की लड़कियां बहुत समझदार होती हैं, उनको हर क्षेत्र में जाने का मौका मिलना चाहिए, तभी देश में कुछ बदलाव आएगा। मैम, एक प्रगतिशील समाज में महिलाओं की कैसी भूमिका होनी चाहिए, महिलाएं कितनी बढ़ चढ़ के अपने समाज को आगे ले जाने में योगदान दे सकती है? बहुत ज्यादा योगदान दे सकती है। जैसे हमने अभी आपको एक उदाहरण बताया, एक घर जहाँ पे महिला शिक्षित होती है, आप देखिए उस घर का एटमॉस्फेयर ही अलग दिखता है। तो महिलाओं का पढ़ा लिखा होना, बराबरी की भागीदारी होना बहुत जरूरी, क्योंकि वो किसी चीज से कम नहीं है। अगर एक पुरुष जहाँ पे समझदार है तो माइंड तो दोनों में बराबर है। ऐसा थोड़ी ना है कि पुरुष, यहाँ तक कि आपने शायद साइंस में पढ़ा होगा कि जो पुरुषों या स्त्रियों किसी में भी जो दिमाग आता है वो स्त्री की ही दिमाग की क्षमता के बराबर होता है। वही जो दिमाग की एक जो कहते नहीं फीलिंग होती है, वो स्त्री से ही आती है। तो दिमाग जितना लड़कियों का जितना औरतों का होता है, शायद उतना तो हमें लगता है पुरुषों का भी नहीं होता होगा। तो हमें लगता है उनके दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए और उसको हर क्षेत्र में आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अगर घर का काम भी करे, बाहर का काम भी करने की उसको बराबर की आज़ादी मिलनी चाहिए। महिलाएं अभी भी क्या मैम पूरी शिक्षा ले पा रही है? क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं, सरकारें आती है जाती है, सरकारें वादा करती है कि महिलाओं के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे, सत्ता में आएंगे तो महिलाओं की शिक्षा के लिए हम बजट बढ़ाएंगे, लेकिन क्या सभी सरकारें महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कर पा रही है कि महिलाएं अपर स्टडी कर सके? देखिए, अभी भी देखा जाए तो भारत में महिलाओं की अपर स्टडी तो बहुत ही कम है। मतलब हम कहेंगे उसको, अगर हमारे उससे देखा जाए तो 25% महिलाएं हैं जो हायर स्टडी करती हैं। इसमें सरकार भी जिम्मेदार और कहीं हद तक कि परिवार भी जिम्मेदार है। अगर परिवार भी ठान ले कि हमें अपनी लड़की को लड़के के बराबर ही पढ़ाना है तो सरकार भी मदद करेगी, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें परिवार का, घर के बड़ों का जो होते उनका भी रोल होता है हमारे हिसाब से। अगर हम ठान ले कि चाहे मेरा लड़का हो या लड़की हो, हम दोनों को शिक्षा एक जैसी देंगे। अगर सरकार से हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सरकारें बेनिफिट नहीं दे रही हैं, दे रही हैं, ठीक है, वो काफी हद तक की लोगों तक की नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिनके पास पहुंच रही है वो भी क्या करते हैं, महिलाओं या लड़कियां हैं तो उनको कहते नहीं अभी बेटा तुम घर में रह के करो, ये मेरे उनके बेटों को मिल जाए। तो ये सोच बदलनी पड़ेगी, हम बड़ों को ये सोच बदलनी पड़ेगी, हर माता हर पिता को ये सोच बदलनी पड़ेगी कि अगर लड़की है तो हमें उसे ज्यादा पढ़ाना है, क्योंकि वो एक घर संभालती है। जब घर मजबूत होगा तो शहर, घर, देश सब कुछ मजबूत होगा।
मैम, जैसा कि आप भारत विकास परिषद की ये शाखा की सेक्रेटरी हैं, आप हमें इस शाखा के बारे में बताएं कि कैसे काम करती है, ये क्या है? देखिए, हमारा जो भारत विकास परिषद है ये ऑल ओवर इंडिया में है। इसकी कृष्णा शाखा हम लोगों ने फाउंड किया था। 5 मेंबर हमारे इसके फाउंडर्स मेंबर हैं, ज्योति श्रीवास्तव, शालिनी गुप्ता, सारिका राठौर, मोनिका जायसवाल और निशा जायसवाल। हमारा मकसद यही था, देखिए, हम लोग कुछ चैरिटी करना चाहते थे, महिलाओं के लिए कुछ कार्य करना चाहते थे, लेकिन कहते नहीं, एक संस्था के तहत अगर करिए तो उस काम की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो इसमें हम औरतों को इकट्ठा करते, ये हमारी सिर्फ महिलाओं की संस्था है। करीब इसमें 100 से 125 महिलाएं, क्योंकि कोविड की वजह से अभी थोड़ी कम हो पाई थी, करीब 125 के नियर अबाउट महिलाएं हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है इस महीने में एक चैरिटी, एक सामाजिक कार्य करना और 2 महीने में एक कल्चरल इवेंट करना, जिससे हमारे देश में जो परंपराएं हैं वो जो लुप्त हो रही हैं, तीज है, फेस्टिवल्स है, उनको थोड़ा सा उन पे फोकस करना। और चैरिटी समाज है, जैसे कि हम लोग क्या जाति और धर्म को लेकर करते हैं, लेकिन अगर हमें अगर घर में काम करवाना हो ना तो हम जाति नहीं देखते हैं। तो हम लोग एक अभी प्रोजेक्ट कल ही करने वाले हैं, जिसमें हमारी घर की जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनको हम लोग कैट वॉक कराना चाहते हैं, लाइक उनको भी लगे कि उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। और देखिए, हम लोग के पास इतनी साड़ियां होती हैं जिनको हम कभी कभार वार्डरोब में पड़ी वेस्ट हो जाती है, तो हम जितनी 125 महिलाएं, उन्होंने सोचा है कि 2-2 साड़ियां निकालेंगे और अपनी काम वालियों को भी हम लोग सम्मानित करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की, उससे मैटर नहीं है। और उनको एक जगह हम लोग इकट्ठा करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे और उनको भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म देंगे कि आप अपनी प्रतिभा को बाहर निकालिए, अपने जो हुनर है उसको दिखाइए, डांस करिए, गाना सुनाइए, कविता सुनाइए, जो भी है वो प्लेटफॉर्म उस दिन आपका। और हम लोग ऑडियंस की तरह उन्हें देखेंगे, उसमें से जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगा हम उन्हें सम्मानित करके प्राइज देंगे। लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगी कि जो सुविधाएं सरकार दे रही है, वो कोई भी सरकार हो जाए, ऐसा नहीं कि सरकारें देती नहीं है, प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंच नहीं पाती। अगर वो पहुंचेगी, पहुंच रही है, तो प्लीज आप लोग अपने घर में महिलाओं को पढ़ाने पे फोकस करिए। ये मैं चूंकि एजुकेशन लाइन से हूँ, एक महिला हूँ, तो इसलिए मैं जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना शिक्षित किया है कि आज मैं आपके सामने बोल सकती हूँ। तो मुझे लगता है हर माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को शिक्षित करें, उनको बताएं कि घर परिवार उनका दायरा है, लेकिन समाज भी उनका दायरा है, उतना ही बराबर का हक उनका भी है। मैम, जैसा कि आपने भी बताया कि हर परिवार अपने बच्चों को शिक्षित करे, अगर हम लड़कियों की बात करें तो अभी भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं यौन शिक्षा को लेकर काफी कमियां हैं। लड़कियां खुल के नहीं बोलती, ना अपने माँ बाप से बता पाती है, ना अपने दोस्त से बता पाती है। तो क्या सरकार को एक एजुकेशन पॉलिसी में एक सब्जेक्ट या फिर एक चैप्टर ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे लड़कियां अपने टीचर से, माँ बाप से रूबरू होके, फ्रैंक होके बात कर सके इस टॉपिक? बिल्कुल, हम तो ये इस चीज से सहमत है कि देखिए, जो ये है एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन फॉरेन कंट्रीज में है, इसीलिए वहां पे रेप केसेस और बहुत सारी वो नहीं होता। यहाँ इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसको गलत माना जाता है, जबकि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर बच्चों को उनकी एज जैसे ही वो बड़े होते हैं, 9th स्टैंडर्ड से हमें लगता है ये सब्जेक्ट होना चाहिए। उन्हें अपने गुप्त अंगों के बारे में बताना चाहिए, उनकी सेफ्टी के लिए बताना चाहिए, और अपने को कैसे सेफ रख सकते हैं हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर बताना चाहिए, ताकि बच्चे खुल के अपनी बातों को कह सके। जो आजकल सोशल मीडिया में देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए वो चीज गलत हो रही है। अगर यही टीचर सब्जेक्टिव वाइज पढ़ाएगी तो बच्चों को काफी हद तक की नॉलेज होगी और वो सही गलत को पहचान सकेंगे। तो हमारे हिसाब से तो होना चाहिए, इस उसको पाठ्यक्रम को इन्वॉल्व करना चाहिए एजुकेशन में। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती, आईपा भी एक ऐसा ही संगठन है जो नॉन पॉलिटिकल बातों को आगे बढ़ाता है, हर तबके के बीच जाता है, चाहे वो महिला हो, किसान हो, टीचर्स हो, उनकी बातों को आगे बढ़ाता है, उनके विचारों को लेकर एक नया डिस्कोर्स पैदा करता है कि समाज में एक प्रगतिशील राजनीति की धारा बहे। आप इस मुहिम को कैसे देखते हैं? देखिए पॉलिटिक्स को मेरा अधिकार है वोट देना,
तो हम उस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं और हम ही हैं जो सही गलत सरकार को ला सकते हैं। तो हमारे हिसाब से पॉलिटिक्स कोई गलत चीज नहीं है। पॉलिटिक्स में कौन मेंबर्स आ रहे हैं उन पे हमें फोकस करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, अगर उसमें कोई मेंबर अच्छा आ रहा है तो हम उसका भी सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं, और हर जगह अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं। ये हमारा डिसीजन होना चाहिए कि हम अच्छों को चुनें, हम उनके मुद्दों को देखें। तो ऑब्वियस है पॉलिटिक्स भी अच्छी होगी और जो मुद्दे हैं पॉलिटिक्स में, जो कमियां हैं वो दूर होंगी। आईपा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ शालिनी गुप्ता जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य और विचार साझा किए कि कैसे महिलाओं को समाज में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, राजनीति में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि मतलब सरकार को महिलाओं के लिए एक जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। तो ऐसे ही आप आईपा के साथ बने रहिए। धन्यवाद।